मॉर्निंग गाइज, मैं कविता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी पहचान में। तो आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं करने जा रही हूँ मॉर्निंग के 11 बजे से। तो मौसम बहुत ख़राब है, आज मौसम भी अभी हम आपको दिखाऊंगी, बारिश का मौसम हो रखा है। कपड़े सारे कल से धो रखे हैं, अभी तक सूखे नहीं है, पहले इनको उठा लेती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी देर पहले ब्लॉग बना लेती हूँ, फिर पता चले बारिश आ जाए और बाहर ना आ पाऊँ, इसलिए मैंने ब्लॉग पहले स्टार्ट कर दिया। अब दिखाती हूँ मैं आपको मौसम। जब मैं जा रही हूँ पार, देखती हूँ पार वाले क्या कर रहे हैं। चाची का चार्जर भी देना था, मेरे फ़ोन का चार्जर तो उसने तोड़ दिया है, तो चाची का लेके आई थी, उनको लेके आ रही हूँ। ये देखिए, ये लोग धूप सेक रहे हैं, कितने समझदार लोग हैं। इतनी ठंड हो रखी है, बच्चों को लेके बाहर खड़े हैं, समझदार लोग। चाची तुम्हें चार्जर रात भर लगा रखी हुई, तब जाए भी 80% वो। क्या करना है तुम तो, क्या करना है? नजारा देख लिया है, अब चलते हैं पार। पार तो आज गजब ही नजारा हो रहा है। गीता चाची का है ना? गीता चाची गाइज, बारिश आ रही है बात हल्की हल्की सी, और दरवाज़ा बंद करके हम बैठे हैं अंदर तोसु को लेके। तोसु बार बार जीत कर रहा है बाहर जाने के, लेकिन इसको बाहर लेके नहीं जाना है, ये बहुत ही शैतानी करता है दोसी। चाचू कैसा करते हैं बता दे, ऐसा करते हैं चाचू? काजल की नकल उतार रहे, एक दिन काजल को उल्टी हुई थी वॉमिटिंग, तो उसने ऐसी करा था, उस दिन से इसकी नकल उतारता है। कैसा करता है चाचू है? स्माइल देख लो बंदे की स्माइल। ये बन चुकी है हमारी मोमोज की चटनी, गर्मा गर्म मस्त। आप सोच रहे होंगे कि इसका कलर ग्रीन क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें लहसुन की वैसे वाले लहसुन की जगह पे हरा वाला लहसुन के पत्ते डाले हैं। टेस्ट आपको हूबहू वही मिलेगा, बट कलर चेंज है, बहुत टेस्टी हो रही है। ये बन चुका है मसाला मोमोज के लिए, सिर्फ पत्ता गोभी का यूज करा है, थोड़ा सा बनाया दो लोगों के लिए जितना। आज मैंने कुछ अलग से न्यू डिश बनाई है, डिफरेंट टाइप की। मैंने जो है लहसुन के पत्ते सिलबट्टे में पीस के उसमें आलू काट के सब्जी बनाई है, बहुत ही टेस्टी सब्जी है, मज़ा आ गया। हो गए मोमोज रेडी, एक फट भी गया इसमें।